सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Asus को लेकर बहुत दिनों से एक बात चल रहा था कि Asus के Zenfone 6 इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, मगर उसका टीजर पे ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में आ गया था। मगर इसके नाम को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि Asus जो Zen नाम इस्तेमाल करते हैं उसी नाम पे इंडिया में और एक कंपनी है जो है Zen, वो 2008 साल से इंडिया में मोबाइल बेच रहा है और उसके नाम पर ट्रेडमार्क भी है। और कोई नाम पे अगर ट्रेडमार्क होगा तो उस नाम को दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी कारण Zen ने उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट भी Asus को मना किया था इसके Zen नाम को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी कारण बहुत से यूट्यूबर बोल रहे थे कि हाँ ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। तो फाइनली ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि Asus ने उसका नाम चेंज कर दिया है, उसके नाम कर दिया Asus 6Z। और ये फ़ोन दुनिया के सबसे पहला फ़ोन है जिसमें 48 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आप देख पाओगे। कैमरा के तरफ से बहुत ही अच्छा फ़ोन है, इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, तो ये फ़ोन आप देख सकते हो। और एक हाईलाइट इस फोन में है वो है बैटरी, 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप अगर फ्लैगशिप लेवल के कोई फ़ोन देखोगे तो उसमें क्या है 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो Asus पहले बार ऐसा काम किया है जिसने बड़ा बैटरी भी आपको दे दिया है। और 19 तारीख को ये फ़ोन लॉन्च होगा और इस फ़ोन के जो जो स्पेसिफिकेशन है आपको सब हम बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज और क्या क्या टेक न्यूज़ है। दोस्तों दूसरा न्यूज़ भी है Asus की तरफ से। जुलाई में Asus और एक फ़ोन लाने वाला है, वो है ROG 2। ROG 1 एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन है, उसका सक्सेसर आने वाला है ROG 2। और इसमें बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगा और इसका प्रोसेसर जो रहेगा वो रहेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। पहले जो फ़ोन आया था वो 845 में आया था। अभी दूसरा जो 2 आएगा यानी कि ROG 2 आएगा वो आपको देखने को मिलेगा 855 प्रोसेसर में। तो कुछ दिन वेट कर लो, ये गेमिंग फ़ोन आपको पसंद हो, अगर आप लेना चाहते हो एक गेमिंग फ़ोन तो ROG 2 आप बाय कर सकते हो। क्योंकि ROG 1 बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन था और उसका सक्सेसर अगर ये हो रहा है तो उसके टेक्नोलॉजी और भी लेटेस्ट होगा और भी अच्छा क्वालिटी लेकर आएगा। दोस्तों बहुत लोग OnePlus के फ़ोन पसंद करते हो, उसके साथ साथ लाइट कलर भी पसंद करते हो, मगर OnePlus के कोई लाइट कलर का फ़ोन अभी तक आया नहीं था। क्योंकि उसका जो भी कलर आया था ब्लैक में, रेड में, ब्लू में, सभी डार्क कलर में। अभी OnePlus एक कलर ला रहा है, लाइट कलर ला रहा है, तो वो 14 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। जो जो लोग OnePlus के फ़ोन पसंद करते हो और लाइट कलर पसंद करते हो वो ये फ़ोन ले सकते हो। 14 तारीख से ये फ़ोन अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो। तो कुछ दिन वेट कर लो, 14 तारीख से आपके पसंदीदा कलर आपको मिल जाएगा। दोस्तों 2019 आते आते बहुत से कंपनी उसके मोबाइल में डार्क मोड ला रहा है। जैसे हम लोग देखा है एंड्रॉयड क्यू भी जो आने वाला है उसमें भी आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा। फेसबुक भी उसका डार्क मोड ला रहा है, व्हाट्सएप भी उसका डार्क मोड ला रहा है। ऐसे करके हर एक फ़ोन कंपनी उसका फ़ोन में भी ला रहा है और सॉफ्टवेयर कंपनी भी उसके सॉफ्टवेयर में डार्क मोड ला रहा है और एक न्यूज़ आ रहा है वो है गूगल क्रोम को लेकर। गूगल क्रोम में भी बहुत ही जल्दी एक अपडेट आएगा और उसमें आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। डार्क मोड बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बैटरी बहुत ही सेव करता है, इसी कारण हर एक कंपनी डार्क मोड ला रहा है। और गूगल क्रोम भी जब ये नया अपडेट लाएगा तब उसमें आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा। अगर आपको डार्क मोड पसंद हो तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि डार्क मोड आँखों के लिए भी सही है और मोबाइल की बैटरी भी बहुत ही अच्छा सेव करता है। तो कुछ दिन वेट कर लो, कुछ दिन वेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और ये अपडेट भी आपके फ़ोन में आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही जल्दी Vivo Z5X इंडिया में लॉन्च होने वाला है, इसको लेकर बात चल रहा था। फाइनली Vivo की तरफ से एक टीजर भी आ गया है जिसमें दिखा रहा है Vivo Z5X इंडिया में आने वाला है। और ये फ़ोन जो आएगा बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में आएगा, क्योंकि अब देखा जाए तो Redmi, Realme, Samsung उसके फ़ोन के प्राइस घटा के बहुत ही कंपटीशन दे रहे हैं, मगर Vivo के फ़ोन बहुत ही ज़्यादा प्राइस में आ रहा है। इसी कारण ये फ़ोन Vivo लाने वाला है, इसका जो प्राइस रहेगा बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रहेगा। और ये फ़ोन जो आने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ आएगा, इसमें ट्रिपल कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फ़ोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यानी कि Vivo भी उसके फ़ोन के प्राइस घटा के कंपटीशन मार्केट में आ रहा है। क्योंकि अगर उसका जो फ़ोन के प्राइस है देखा जाए तो उसके फ़ोन ज़्यादा बिकना भी बंद हो गए हैं,
उसके जगह ले लिया है शाओमी और रियलमी और सैमसंग के एम सीरीज ये सीरीज। इसी कारण वीवो उसके फ़ोन के प्राइस घटा के उसके एक सही प्राइस के साथ सही स्पेसिफिकेशन के साथ फ़ोन बहुत ही जल्द लाने वाला है। दोस्तों बहुत से लोग एंड्रॉयड वन पसंद करते हैं, उसके साथ साथ रियलमी के भी फ़ोन पसंद करते हैं, और रियलमी का कब एंड्रॉयड वन वाला फ़ोन आएगा इसके लिए भी वेट कर रहे हैं। तो माधव सेठ जी ने एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि रियलमी का कोई भी फ़ोन अभी एंड्रॉयड वन के साथ नहीं आएगा। उसका जो कलर है 6 है उसको और भी अपडेट कर रहे हैं और भी अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एंड्रॉयड वन वाला कोई फ़ोन अभी तक रियलमी का नहीं आएगा, ये चीज़ क्लियर हो गया है। और जो लोग पसंद करते हो एंड्रॉयड वन और रियलमी के फ़ोन पसंद करते हो वो अभी भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इसके लिए वेट करोगे तो आप वेट करते ही रहोगे, तो इसको भूल जाओ। आप एंड्रॉयड वन के बहुत सारे फ़ोन हैं वो ले सकते हो, या रियलमी के बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन हैं जो कलर वाइज 6 के साथ आता है वो फ़ोन भी आप ले सकते हो, क्योंकि कलर वाइज 5 जैसा था उससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी है कलर वाइज 6 की, तो ये फ़ोन आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए टेक न्यूज़ फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।